तिजारा के गोठड़ा गांव में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि इस बार जिस बूथ पर 1440 वोट होंगे वहां पर 1450 वोट पड़ेंगे, जांच में चुनाव आयोग भी कुछ नहीं कर पाएगा। बालकनाथ के इस बयान पर चुनाव आयोग ने बालकनाथ को नोटिस भेज दिया। नोटिस के बाद बाबा ने तुरंत यू टर्न लिया और उनके स्वर बदलते नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए भाषण में बूथ पर 1440 वोट होने पर 1450 वोट डालने की बात कह दी थी। उन्होंने कहा कि बूथ कैप्चरिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। 25 तारीख है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली जो 25 तारीख है उसी भावना के साथ में 100% मतदान होगा और इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव के वोट तो होंगे 1440 और वोट करेंगे 1450। वर्तमान भारत में कहीं आपको देखने के नहीं मिलेगी कि कहीं ऐसी घटना कि भाई जितना वोट है उससे ज्यादा वोट डल जाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। खाली एक प्रोत्साहन बढ़ाने के भाव से, लोगों को इस कहने के भाव से कि आप ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में लगभग 60-63% वोटिंग रहती है, तो हमारा लोगों से आह्वान है कि आप बढ़कर वोटिंग करिए। तो खाली ये तो मतलब अंडरस्टूड है चीजें, एक तरह से कि सबको पता है कि खाली मोटिवेशन के लिए कहा जा रहा है। इधर बाबा बालकनाथ के इस बयान पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने निशाना साधा और पूछा कि बीजेपी के पास कौन सी वो मशीन है जो ज्यादा वोट डालती है। बालकनाथ का बयान बीजेपी का असली चेहरा बताता है, सुनिए। अब बताओ, बाबा बालकनाथ को ये भी बता देना चाहिए कि वो बीजेपी के पास कौन सी मशीन है कि जो 1410 वोट की जगह 1420 वोट डालेगी, वो मशीन हमें भी बता दे तो देश की जनता को पता तो चले कि बीजेपी का असली चेहरा क्या है। इसलिए बीजेपी का असली चेहरे का बयान कर दिया बालकनाथ जी ने, तो वोट उनके हो या नहीं हो लेकिन पूरे डालने की कोशिश करेंगे, डाल लेना, देखते हैं कैसे कैसे डालते हैं, राजस्थान है। तो वही भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण में कांग्रेस से बाजी मार ली है। अजमेर की 8 विधानसभा क्षेत्र में से 7 विधानसभा में प्रत्याशी मैदान में उतार दिए गए हैं, अब वो अपनी तैयारी में जुटे हैं। वहीं अजमेर दक्षिण की बात करें तो यहां 4 बार से विधायक अनीता बधेल को फिर से मैदान में उतारा गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब तक यहां अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को तेज करने में जुट गई है। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विधायक और दक्षिण भाजपा प्रत्याशी अनीता बधेल नेतृत्व में बैठक आयोजित किया गया। बैठक में जिला संगठन सह प्रभारी विराम देव सिंह, शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह के साथ ही तीनों मंडल की पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी शामिल हुए। अनीता बधेल ने बताया कि पार्टी ने उन पर 5वीं बार भरोसा जताया है। देखिए, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं बार भी मुझ पर जो विश्वास जगाया है उसके लिए मैं पार्टी नेतृत्व की बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और चुनावी आगाज हो चुका है, हम आज हमारे दक्षिण विधानसभा की कार्यकर्ताओं की एक तीनों मंडलों के कार्यकर्ताओं की बैठक आज यहाँ आमंत्रित की गई है। तो वहीं राजस्थान में विधानसभा चुनावों की रणभेरी और टिकट मिलने के बाद बायतू भाजपा प्रत्याशी बालाराम मूड़ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। आज विजय दिवस के मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि खुद को बालाराम मूड़ समझकर क्षेत्र में जाना है और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नकारा सरकार से जनता उब चुकी है, अब भाजपा का कमल खिलेगा। इस दौरान बायतू के भाजपा प्रत्याशी बालाराम मूड़ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। मैं जैसे मेरे टिकट की घोषणा हुई तो उसी दिन से लोगों में बड़ा उत्साह है। आपने देखा होगा पहले दिन ही हेमा बाबा के दर्शन के जिस टाइम लोग उमड़े थे, इसी तरह देव दर्शन यात्रा में भी जगह जगह लोगों ने जोरदार स्वागत किया। और उसके बाद में हम प्रवासियों के दर्शन और प्रवासियों को पीला चावल देने गए तो वहाँ तो आप देखो सूरत जैसी सिटी में 10,000 लोगों की भीड़ थी। इतना लोगों में प्रवासियों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह था और यहाँ से बायतू विधान से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बालाराम जी, लगातार आप राजनीति के लिए पिछले 20-25 सालों से संघर्षरत है, आज दिन तक आपने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा, आपको पार्टी ने
और पहली बार आपने मेहनत भी की, तैयारी भी की, लंबे समय से संघर्ष देते, और जिस समय आपकी घोषणा हुई उस समय कितनी खुशी मिली? मैं लंबे समय से मतलब पार्टी में हूँ और पार्टी में टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का हक है, और जिस समय लंबे समय से मैं कार्यकर्ता के बीच में रहा, इसलिए मेरे टिकट की घोषणा मेरे कार्यकर्ताओं और भाईतू की विधानसभा के उम्मीद जनता को खुशी। तो सिंहासन का संग्राम की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।